तो गाइस ये देखो मम्मी को कितना मजा आ रहा है। ऐसा लाइफ होना चाहिए गाइस। और अब सनसेट होने वाला है यहाँ पे, तो ये सनसेट का व्यू है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग, इट्स बिहारी बाइकर। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में काफी अच्छे से रह रहे होंगे। तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, और ये गुड मॉर्निंग हो रही है हमारी पोर्ट ब्लेयर से। आज ऐसा था कि आज हमें इस मॉर्निंग में उठ के ही हमें जाना था, और जो टूर एंड ट्रेवल्स वाले से हम लोगों ने पैकेज लिया है वो अपनी गाड़ी भेजने वाले थे, और जो मॉर्निंग वाली फेरी थी उसको काफ़ी ज़्यादा अर्जेंटली ही रिलीज कर दिया गया, मतलब बहुत पहले वो चली गई, जिस कारण से हमें फ़ोन आया कि आप पहली वाली फेरी आपकी मिस हो चुकी है, अब आप दोपहर वाली फेरी से जाएंगे। तो गाइज सुबह 6 बजे उठ के नहाने के बाद फिर मैं वापस से सो गया, और गाइज अभी ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, तो अभी हम लोग जाएंगे नीचे जाके नाश्ता करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मम्मी पापा जा चुके हैं नीचे। तो गाइज अभी जाते हैं ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर दोपहर में जब निकलते हैं तो फिर आप लोगों को दिखाते हैं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं और क्या क्या एक्सप्लोर कर रहे हैं। सो गाइज अभी हम लोग हो चुके हैं तैयार, और अभी हम लोग निकल रहे हैं हैवलॉक के लिए। अभी हम लोग को फेरी लेना है, फेरी लेने के बाद फिर वहाँ से हम लोग जाएंगे हैवलॉक, और हमारी गाड़ी नीचे आ चुकी है, तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ और अब उसके चार्जेस भी बता दे रहा हूँ, जो फेरी के चार्जेस लगेंगे वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। सो गाइज पापा मम्मी पहुँच गए हैं नीचे, और जो गाड़ी है वो नीचे खड़ी है, और जो चार्जेस हम लोग को लग रहे हैं फेरी के वो ये है, मतलब पर पर्सन 1699 ऑलमोस्ट 1700 ये कॉस्ट पड़ेगा, और रिपोर्टिंग 12 था लेकिन अभी 12 बज चुका है तो हम लोग थोड़ा लेट है, तो अभी निकलते हैं। डिपार्चर 1:15 का शो कर रहा है, तो 1:15 से पहले हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। तो गाइज अभी चलते हैं फटाफट, वहाँ पहुँचते हैं फिर आपको दिखाते हैं कि वहाँ से क्या सीन है। सो गाइज अभी हम लोग पोर्ट पे पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे जो हम लोग का फेरी है वो ऑलमोस्ट डिले चल रहा है, और हम लोग लास्ट 45 मिनट से यहाँ पे वेट कर रहे हैं, और अभी जहाँ पे लोग सारे वेट कर रहे हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा है, तो मैं थोड़ा साइड में आ गया आपको बताने के लिए। गाइज ये जो फेरी है जो हमें है ब्लॉक तक लेके जाएगी वो ऑलमोस्ट 2 घंटे की होने वाली है, और इसका जो पैसेंजर है कैपेसिटी, पैसेंजर कैपेसिटी जो है शिप का वो ऑलमोस्ट 750 पैसेंजर्स इसमें अटेंगे। और एक बार मैं बैक व्यू दिखा दे रहा हूँ, यहाँ से कुछ सीट नज़र आ रही है तो आप एक बार देख लो। और गाइज अगर आप आते हो कभी भी अंडमान, अपना कोविड का सर्टिफिकेट कैरी करना, और यहाँ पे जो चेकिंग वगैरह हुआ है ऑलमोस्ट जैसे आप फ्लाइट पे चेकिंग करते हो उस तरीके से यहाँ पे चेकिंग हुआ है, आपका सामान भी उसी तरीके से देखा जाएगा। सो गाइज अभी हम लोग आ गए, हमारी बोट भी आ गई है, और जो आपको सामने नॉटिका बोट दिख रही है यही हमारी बोट है। अभी हम लोग को इसी पे बैठना और इसके बाद हम लोग जाएंगे। तो गाइज पहले हम लोग यहाँ पे लगेज अपना ड्रॉप करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग उधर जाएंगे सीट लेंगे अपना, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। गाइज अभी हम लोग अपने रिजॉर्ट पहुंच चुके हैं, और जो यहाँ पे हमारा रिजॉर्ट बुक है वो राधे कृष्णा रिजॉर्ट है, और अभी आप यहाँ का व्यू देख सकते हो गाइज, ये तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, और जो फिनिशिंग दिया गया है सामने से ये सारा वुडन फिनिश दिया गया है, और आप यहाँ का सिस्टम देख लो यार, काफ़ी अच्छा लग रहा है, और पूरा पेड़ ही पेड़ है, सारा नारियल का पेड़। मतलब गाइज अभी जैसा कि बता रहा था मैं आपको, बाहर से रूम कुछ इस तरीके का दिख रहा है, और दो चेयर भी यहाँ लगा है, और हमारा जो रूम नंबर है वो रूम नंबर 26 है। और गाइज अभी हम लोग ऑलरेडी थोड़ा लेट पहुँचे हैं क्योंकि हमारी फेरी लेट हो गई थी, और रूम आप एक बार देख लो, ये बेड है, और हम लोग गाइज रेडी हो चुके हैं क्योंकि अभी हम लोग को बीच पे जाना है, तो हम लोग बीच वाले ड्रेस पे आ चुके हैं, तो कुछ ऐसा है, मैंने अपना ड्रेसअप रखा है, और ये वॉशरूम है। तो गाइज़ अभी हम लोग को जल्दी निकलना होगा क्योंकि ऑलरेडी लेट है, और हमें जहाँ जाना है वहाँ सनसेट भी है, और बाहर मुझे एक फ्रेंड भी मिल गया है, तो मैं एक फ्रेंड से आप मिलवाता हूँ, मे भी बस वो मुझसे डरे नहीं, और फ्रेंड क्या है वो टॉम है, टॉम एंड जेरी का, मैं आपको यहीं से दिखाऊंगा क्योंकि मुझे भी डर लगता है। तो गाइज़ ये आराम कर रहा है, कितने आराम से ये आराम कर रहा है, तो इसको सोने देते हैं, और अब हम लोग चलते हैं बीच की तरफ, और एक बार बीच पे पहुंचते हैं फिर आपको दिखाते हैं बीच का नज़ारा।
और इधर देखो यार, जंगल टाइप का है पूरा। और एक चीज़ और मैंने नोटिस किया था गाइस यहाँ पे, कि मैं बहुत सारे स्कूटी देखा था जिसके येलो नंबर थे। अगर आप अकेले आते हो या फ्रेंड्स के साथ आते हो तो आप नॉर्मल स्कूटी लेके भी चल सकते हो, और वो ज़्यादा सही रहेगा आपके ट्रैवलिंग। गाइस एक बार यहाँ का व्यू चेक करो, ये चारों तरफ पहाड़ और ये समुंदर जिसका कि कोई एंड नहीं नज़र आ रहा है गाइस। और यहाँ मम्मी पापा खड़े हैं। तो गाइस ये देखो मम्मी को कितना मज़ा आ रहा है। तो मम्मी बताओ तुमको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आ रहा है। तो गाइस मम्मी को बहुत मज़ा आ रहा है, तो मम्मी को बोलते थोड़ा आगे जाओ फिर देखते हैं। तो गाइस मम्मी को बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है। अगर मैं कपड़ा लेके आता तो अभी मैं नहा रहा होता। और अब सनसेट होने वाला है यहाँ पे, तो ये सनसेट का व्यू है जो आप देख रहे हो। और यहाँ सनसेट थोड़ा जल्दी हो जाता है गाइस, 5:30 बजे तक यहाँ सनसेट हो जाता है। तो गाइस जो मेरे पैर के नीचे का रेत है वो देखना, अभी पानी आने के बाद मैं यहीं पे खड़ा हूँ और अभी ये देखना ये रेत किस तरीके से निकल जाएगा यहाँ से। और ये देखो मम्मी को बहुत मज़ा आ रहा है यार। पापा पीछे खड़े हैं, पापा जूता पहन के आ गए हैं, तो अभी वो पीछे खड़े हैं और पीछे से ही देख रहे होंगे, अभी वो मुझे नज़र आ रहे हैं, काफ़ी दूरी पे हैं। ये जो लोकेशन है, ये जो एरिया, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत खूबसूरत है और बहुत अच्छा लग रहा है यार यहाँ। तो मतलब जाने का मन नहीं हो रहा है। ये आपको दिख ही रहा होगा, आवाज़ आ रहा होगा पीछे लहर का, वो अलग। तो गाइस मतलब क्या ही बोलूँ, अभी मेरा मन ही नहीं हो रहा कि यहाँ से मैं जाऊँ और ब्लॉग की ग्रुप से ये सीन मैं जा रहा हूँ कि आप लोग भी देखो और पीछे किस तरीके से ये लहर आ रहा है और जो सनसेट हो रहा है वो भी आप देखो। मैं यहाँ पर फोकस एक बार कर दे रहा हूँ और ये देखो ये सनसेट का व्यू है गाइस, और सच में ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। मेरे को नहीं पता भी ये कैमरा जस्टिफाई कर पा रहा है कि नहीं इस लोकेशन को, बट रियल में ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है गाइस। तो गाइस एक्चुअली अभी क्या सीन हुआ है, आपको लग रहा होगा यहाँ कट किया, बट ऐसा सीन हो गया कि लोग अब मुझे प्रोफेशनल फोटोग्राफर समझ लिए हैं। मतलब काफ़ी लोग तो कपल्स ही आए हुए हैं, तो यहाँ पर बार बार मुझे फ़ोटो क्लिक करने के लिए बोल रहे हैं। यार चलो ठीक है, समझ लो यार, फोटोग्राफर ही समझ लो, मगर ठीक है चलो, साथ का फ़ोटो चाहिए और कितना सेल्फी लेंगे, और बैकग्राउंड इतना अच्छा है तो खींच देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इन लोगों का फ़ोटो खींच दिया, क्लिक कर दिया। और गाइस अब एक बार और फिर से मैं आपको सनसेट वाला व्यू दिखा ही देता हूँ गाइस। अब ये ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला है सनसेट। तो गाइस अब यहाँ पे सनसेट होने वाला है और ये पहाड़ और पेड़ देख रहे हो, इसका तो अलग ही लुक है, अलग ही मज़ा है। तो गाइस इस ट्रिप का ये व्यू पे आके पैसा वसूल होने वाला है, और अभी मे भी इससे अच्छे अच्छे और जगह मिले आइलैंड जाए तो मे भी वो इससे भी खूबसूरत हो और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगे। तो एक बार और मम्मी के पास चलते हैं, पूछते हैं कि चलना है या रुकना है, देखते हैं क्या मम्मी का आंसर आता है। तो मम्मी तुम्हारा क्या मन कर रहा है? तो तुम्हारा क्या मन कर रहा है, अभी यहाँ पे रुकना है या फिर चलना है? तो मम्मी को इसी लोकेशन पर, ये इस जगह पर आने का प्लान मम्मी का था। मेरा मन था कि कहीं ऐसे जगह पर चलते हैं जहाँ सिर्फ बर्फ़ हो और ठंड वाली जगह पर चलते हैं, और बहुत लोग बता रहे थे यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होता है। और लेकिन अभी ऐसा है कि तूफान आया था जिस कारण से मौसम बहुत अच्छा है यार, मतलब गर्मी तो एकदम भी नहीं है, थोड़ा सा भी गर्म नहीं हो रहा है यहाँ पे। और अभी अपना शौक़ पूरा करती हुई और अपने जगह पे लेके आई है ज़बरदस्ती, खुशी का ठिकाना नहीं है दोस्तों, देख लो कितनी खुश है। चीज़ देखो गाइस, एक चीज़ देखना, बहुत मज़ा आएगा अभी, मतलब
अगर आराम चाहिए और लाइफ में टेंशन फ्री रहना है तो लाइफ ऐसा होना चाहिए गाइस, चेक कर, ऐसा लाइफ होना चाहिए गाइस। करते हैं कि वो आराम ही कर रहे हो और समझ रहे हो ना, मतलब लेटे ही हो, मस्त चप्पल को सर के नीचे रख के और मस्त लेटे हुए हैं, काफ़ी मज़ा कर रहे हो। तो गाइस अभी सनसेट हो चुका है, आपको बस अभी वो किरणें नज़र आ रही होंगी और कंप्लीट सनसेट हो चुका है और ये लहर, अब जैसे जैसे रात होगा ये लहर और तेज़ होती जाएंगी। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ 5 मिनट और रुकेंगे, कुछ फ़ोटो वोटो ले लेते हैं फिर यहाँ से निकलेंगे। एक्चुअली गाइस जो वो चाचा थे लेटे हुए, अंकल जो भी बोल लो, वो एकदम ठीक है, एकदम फिट हैं और मैं ये प्रूफ आपको दे देता हूँ, आप ये प्रूफ देख लो फिर मैं। सो गाइस अब यहाँ पे मतलब ऑलमोस्ट अंधेरा होने वाला है तो अभी हम लोग जा रहे हैं वापस से होटल, क्योंकि आज इसके बाद अभी हम लोग कोई किसी और लोकेशन पे नहीं जा सकते हैं। तो कल अर्ली मॉर्निंग हम लोग का कोशिश यही रहेगा कि जहाँ से हम लोग सनराइज़ देख सकें उस जगह पे जाएंगे और सनराइज़ देखेंगे हम लोग। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं, मिलते हैं आपसे होटल के रूम में और उसके बाद फिर वहीं पर बातें करते हैं। तो गाइस अभी हम लोग अपने रिजॉर्ट पर वापस आ चुके हैं और हमारा डिनर हो चुका है और हम लोग अभी खाना पीना खा के मस्त हो गए हैं। तो अब गाइस यही करना है कि अब फिर से आराम करना है और सुबह में हम लोग को अगर जल्दी सुबह उठना पड़ा तो एक सनराइज़ पॉइंट है यहाँ पे जो काला पत्थर बीच के नाम से फेमस है, तो कल हो सकता है कि हम लोग वहाँ पे जाएंगे। तो अभी कर लेते हैं थोड़ा आराम। तो गाइस आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखेंगे, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं कल दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट, राइड सेफ राइड हार्ट।